नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करेंगे इंडियन पिनाइल इम्प्लांट के बारे में, जिसको कि शार्स पिनाइल इम्प्लांट भी कहते हैं। और इसमें हम काफी डिटेल में ये वीडियो में बनाया है, तो जो दर्शक हैं बहुत सारी क्वेरीज आती है इसके बारे में कि भाई क्या, कितने साल चलेगा, कैसा इम्प्लांट है, कि कितना स्टिफनेस रहती है इसमें, कितना ये मतलब के कोई इरोजन के चांसेस तो नहीं होते, इन्फेक्शन तो नहीं होता है, और क्या कॉस्ट रहती है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखें तो बेसिकली ये जो इम्प्लांट है इसका नाम है शार्स पिनाइल इम्प्लांट। और ये जो डेट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 26 जनवरी 1996 में ये पहली बार ये इम्प्लांट जो है एक स्कूल टीचर को लगाया गया था। सो इस इम्प्लांट को अगर हम देखें तो 1996 से अब हम बात कर रहे हैं 2022 की, तो नेक्स्ट जनवरी में करीबन 26 साल इस इम्प्लांट को हो जाएंगे। तो ये इम्प्लांट जो है, अब जैसे लोग कहते हैं कि भाई कितने साल चलेगा, तो 26 इयर्स का डेटा हमारा इंडियन पॉपुलेशन का है कि तब से ही अब तक 26 इयर्स हो चुके हैं इस इम्प्लांट को। तो जो लॉन्ग टर्म स्टडीज हैं वो करीबन 20 साल की इस इम्प्लांट के साथ अवेलेबल हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो कि जिन्होंने इसको इन्वेंट किया उनका नाम है डॉक्टर रूपिन शाह, एंड ये बॉम्बे में प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें एक बात होगी कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है यूपी, तो उत्तर प्रदेश से, देखिए मैं भी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है शहजानपुर जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे फैक्ट्री है जिसका नाम है सर्जीवेयर फैक्ट्री। तो सर्जीवेयर कंपनी के जो ओनर हैं डॉक्टर जी डी अग्रवाल, ही इज अ जॉर्जियन, केजीएमसी लखनऊ के पढ़े हुए हैं और मैं भी केजीएमसी लखनऊ उसका पढ़ा हूँ, तो दो कोरोलरीज हमें मिली इसमें, इसलिए यूपी के बारे में बताना जरूरी है कि इम्प्लांट जो है इट हैज कम फ्रॉम यूपी एंड वी शुड बी प्राउड कि ये जो इम्प्लांट है हमारे मेड इन इंडिया है और मेड इन उत्तर प्रदेश है। अब हम चर्चा करेंगे कि ये इम्प्लांट के बारे में कि ये किस किस तरह का होता है और कैसे इसको मेजर कराया जाता है। तो चार इम्प्लांट्स हैं, WH09, WH13, WH15 और एक OH01। तो ये इम्प्लांट के जो नंबर्स दिए हुए हैं वो नंबर्स क्या बताते हैं, तो ये नंबर्स हैं ये बेसिकली सर्जन को बताते हैं कि क्या इम्प्लांट का साइज होना चाहिए, कि किस पेशेंट में किस साइज का इम्प्लांट हमें लगाना है। और ये बहुत सिंपल है कि 9 का मतलब है कि अगर स्ट्रेच पिनाइल लेंथ, स्ट्रेच पिनाइल लेंथ क्या है कि जब हम अपनी पीनिस को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारा जो प्यूबिक सिम्फिसिस है और जो टिप ऑफ द ग्लांस है, जो मिड पार्ट ऑफ द ग्लांस है, वो जो लेंथ है उसको स्ट्रेच पिनाइल लेंथ कहा जाता है। तो अगर ये 9 से 10 सेंटीमीटर की है तो आपको ये वाला इम्प्लांट इसमें लगाया जाएगा। अगर आपकी स्ट्रेच पिनाइल लेंथ 13 से 14 सेंटीमीटर की है तो 13 नंबर का, और अगर ये 15 सेंटीमीटर की है तो 15 नंबर का इम्प्लांट लगाया जाएगा। अब इस इम्प्लांट के 3 भाग होते हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक इकलौता ऐसा इम्प्लांट है जिसमें कि ये इस तरह से सिलिकॉन को दिया गया है। तो ये एक सिलिकॉन इम्प्लांट है और इसके अंदर एक एंटीरियर स्टिफ सेगमेंट होता है जो आपके आगे वाला भाग है पेनिस में, उसमें ये लगेगा। तो ये WH09 में 7 सेंटीमीटर है, फिर ये 11 सेंटीमीटर है WH13 में, और ये 13 सेंटीमीटर है WH15 में। अब इसके अंदर नेक्स्ट बात ये आती है कि इम्प्लांट ये मोड़ा जा सकता है कि नहीं मोड़ा जा सकता। तो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर इसको सही तरीके से डाला जाता है तो इसके अंदर इस इम्प्लांट में एक बीच का पार्ट होता है जिसको कहते हैं हिंज एरिया। तो अगर हिंज एरिया आपका प्यूबिक सिम्फिसिस के नीचे है तो इसको कंसील करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो है इसको कैसे डाला जा रहा है और कौन डाल रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये जो सेगमेंट है ये एकदम सही जगह पे ये प्लेस होना चाहिए। तो हमने बात करी नेक्स्ट की भाई इम्प्लांट, कई सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई ये इम्प्लांट जो है ये हार्ड होगा कि नहीं होगा, इसमें कोई अंदर कोई रॉड नहीं है, क्योंकि स्टील रॉड या आपकी जो अंदर कोर होती है, कुछ लोगों में सिल्वर वायर होता है तो उसकी वजह से उसकी हार्डनेस हो सकती है। बट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो ये सिलिकॉन लगा हुआ है ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का है, तो हार्डनेस जो है इम्प्लांट की वो डिपेंड करती है शोर स्कोर पे। तो जो शोर स्कोर है वो बेसिकली हमारा सिलिकॉन जो है मटेरियल वो कितना हार्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे शोर स्कोर कम होगा उतना ही वो सॉफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही बढ़ेगा तो उतना ही वो हार्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है कि ये इम्प्लांट का जो एंटीरियर पार्ट है स्टिफ सेगमेंट, जो कि मतलब कि अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो ये पार्ट पहले जाता है, तो इसका शोर स्कोर A70 है।
So it is a hard silicon which is in the anterior stiff part of this implant. इसके अलावा जो आगे का टिप है, क्योंकि ये अगर हम टिप जो है अगर ये हार्ड नहीं होगा तो ये इसलिए इसको सॉफ्ट बनाया गया है क्योंकि जो ग्लांस वाला पार्ट है वो सॉफ्ट रहता है. अब अगर हम चर्चा करें तो बेसिकली ये अगर ये हमारा पीनिस का पार्ट है तो जो कॉर्पोरा है वो हमारे मिड ग्लांस तक होते हैं, यहां तक कॉर्पोरा होते हैं. तो इस पार्ट में ये जो इम्प्लांट डलता है ये सॉफ्ट होना चाहिए. अगर ये सॉफ्ट नहीं होगा तो जैसा कि लोग कहते हैं कि यहां से इरोड हो सकता है. अगर आपने अपने डॉक्टर साहब को बोला कि नहीं हमारा जो है बहुत ज्यादा बड़ा इम्प्लांट कर दो, पीनिस को बड़ा कर दो, तो अगर आप यहां तक इसको लेके चले आएंगे तो चांसेस है कि यहां से इरोड हो जाएगा. अगर ये यहां तक लगेगा तो इसमें बकलिंग हो जाएगी. तो ये जो इम्प्लांट है फिर ये इसमें SS डिफॉर्मिटी आ जाती है और ये बकल कर जाता है. कि अगर आपने तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको मिड ग्लांस ऑफ द पीनिस तक इसको आपको इंसर्ट करना होता है. तो इसीलिए यहां पे इसको सॉफ्ट बनाया गया. दूसरा है कि ये जो हिंज पार्ट है वो सॉफ्टर है, वो उसमें शोर स्कोर 25 है. और ये पीछे का जो ट्रिमेबल पार्ट है जो हमारा कंसील होता है जो हड्डी के पीछे जाता है उसका शोर स्कोर जो है 50 है. तो इसीलिए ये एकमात्र ऐसा इम्प्लांट है पूरे वर्ल्ड में जिसमें कि जो सिलिकॉन का जो डिफरेंट जो शोर साइज है वो अलग है. इसके अलावा चौथा इम्प्लांट भी आता है जो कि सबसे पहला इम्प्लांट है जिसमें कोई हिंज नहीं था. तो ऐसे पेशेंट जैसे कि किसी पेशेंट होते हैं जिनको कि इनका पीनिस बहुत छोटा है, 9 सेंटीमीटर से भी स्मॉल पीनिस है, कुछ लोगों का माइक्रो पीनिस होता है, उनको इरेक्शन नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट में ये इम्प्लांट डाला जा सकता है. इसमें कोई हिंज नहीं होता और सिंपल एक रॉड होती है जो कि डाली जा सकती है. तो ये हमने बात करी इम्प्लांट की. और इसके इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर कि ये जो पूरा इम्प्लांट है इसमें दो स्लीव्स होती हैं. तो कभी क्या होता है कि एक कॉर्पोरा आपका ऐसा है और एक कॉर्पोरा आपका छोटा है. तो ऐसे केस में अगर हम इसको जबरदस्ती ज्यादा बड़ा इम्प्लांट डालेंगे तो पेशेंट को पेन होगा और पेन की वजह से वो सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से वो कर नहीं पाएगा और वो इम्प्लांट डालने का जो हमारा कारण है वही फेल हो जाएगा. तो इसलिए इन्होंने इसमें इसमें दो स्लीव्स हैं. और ये स्लीव क्या होती है कि जो 9 मिलीमीटर का इसका डायमीटर है तो ये स्लीव एक है और एक और ये स्लीव है. तो ये 9 से फिर 11 मिलीमीटर और ये 13 मिलीमीटर. तो अगर हमें लगता है कि भाई एक स्लीव हमें उतारनी है इसकी तो एक स्लीव उतारेंगे तो यही 13 मिलीमीटर का जो चौड़ाई वाला इम्प्लांट है वो 11 का हो जाएगा. उसकी दूसरी स्लीव उतारेंगे तो ये 9 मिलीमीटर का हो जाएगा. तो ऐसा स्लीव वाला जो प्रोसेस है वो किसी भी इम्प्लांट में अभी तक अवेलेबल नहीं है. दिस इज द ओनली इम्प्लांट विच हैज दिस फीचर. तो ये हमने आज बात करी. इन्फेक्शन जो होता है वो हर इम्प्लांट में सिमिलर है. जो 3 पीस इम्प्लांट है या 2 पीस इम्प्लांट है उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसमें अंदर वायरिंग होती है, रिजर्वर होता है. और जो रिजिड इम्प्लांट होते हैं, सेमी रिजिड मेलेवन टाइप के इम्प्लांट होते हैं, उनमें जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं. इन्फेक्शन ज्यादातर शुरू के महीनों में प्रेजेंट करता है और अगर इन्फेक्शन हो गया एक बार इम्प्लांट में तो ज्यादातर उस इम्प्लांट को निकालना पड़ता है क्योंकि इस इम्प्लांट के चारों तरफ एक बायोफिल्म बन जाती है. तो एक बैक्टीरिया की बायोफिल्म बन जाती है. अगर आप इसको निकाल के सोच रहे हैं कि इसको धो के दोबारा डाल देंगे और ये ठीक हो जाएगा तो ऐसा होता नहीं है. ज्यादातर केसेस में इम्प्लांट को रिमूव करके दूसरा नया इम्प्लांट डालना पड़ता है और उस बीच में कभी कभी ये नॉन हिंज इम्प्लांट हम डाल सकते हैं. तो ये आज हमने बात करी फिनाइल इम्प्लांट्स के बारे में. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. नमस्कार, आपका दिन शुभ.